पर पेंशन लेने का मामला सामने आया है। भारत सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन धांधली का खुलासा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रदेश सरकार को लिखे पत्र से हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट। सूबे में करीब 2.25 लाख पेंशनरों के दस्तावेज शक के घेरे में हैं। पेंशन लेने के लिए इन अभ्यर्थियों ने एक साथ कई बैंक अकाउंट खुलवा लिए हैं। पेंशन योजना का दोहरा लाभ लेने के लिए डुप्लीकेट दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया है। मामला भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आवंटित किए जाने वाली पेंशन का है। सरकार ये पेंशन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को देती है, लेकिन इसमें भी बड़ा खेल किया गया। अपात्र लोग फर्जी दस्तावेज से पात्र बन गए, लिहाजा गरीबों को मिलने वाली पेंशन अमीरों की जेब में जाने लगी। खातों के आधार से लिंक होने के बाद भारत सरकार ने इसकी समीक्षा की तो एक बड़ा घोटाला सामने आया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार सुधाकर शुक्ला ने मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर दस्तावेजों का परीक्षण करने का फरमान सुनाया है। शक के घेरे में है सूबे के 2.25 लाख पेंशनरों के दस्तावेज। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के पत्र से हुआ खुलासा। प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। अलग अलग बैंक खातों से दोहरी पेंशन का लाभ। कहीं पिता तो कहीं पति के नाम पर ली जा रही है पेंशन। कहीं अपना तो कहीं पिता का नाम बदल कर ली जा रही है पेंशन। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी की बैठक में धांधली का मामला सामने आते ही विभागीय अधिकारियों के होश उड़ गए। पेंशन लेने के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के विश्वसनीयता पर शक गहरा गया। देखिए, आधार कार्ड का जहां तक प्रश्न है, हमने जिलाधिकारियों से कहा है कि इसका सत्यापन कराएं। संबंधित विभाग के अधिकारी सत्यापन करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सत्यापन करेंगे और उसके उपरांत पेंशन दी जाएगी। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन में धांधली होने का मामला चौंकाने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पेंशन का लाभ देने से पहले दस्तावेजों की आधिकारिक जांच क्यों नहीं की गई। देहरादून से राजन मिश्रा, नेशनल वॉइस।